हेलो फ्रेंड्स, गीतास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भुट्टे से रेसिपी बनाएंगे। तो ये मैंने एक भुट्टा लिया है और इसे मैंने छील कर इसका मैंने रेसो निकाल कर लिया है। अब हम इसे चाकू से इस तरीके से काट लेंगे। इसके हम सारे दाने ऐसे निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी बारिश का समय है तो मार्केट में हर जगह भुट्टा दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा चलिए एक रेसिपी बना लेते हैं। तो ये मैंने सारे दाने इस तरीके से निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो ये मैंने कुछ सब्जियां काट के लिए है। ये मैंने एक शिमला मिर्च बारीक काट के लिया है, इसे हम डाल देंगे। और ये मैंने दो गाजर किस कर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी ले सकते हैं। और ये मैंने एक बड़ा प्याज काट के लिया है बारीक बारीक, इसे भी हम डाल देंगे। और ये बहुत सारा मैंने हरा धनिया बारीक काट के लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और ये मैंने एक अदरक का टुकड़ा और चार मिर्ची स्वाद अनुसार बारीक मैंने कद्दूकस कर लिया है मिक्सर जार में। और ये एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, इसे भी हम डाल देंगे। अब इन सबको हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बर्तन छोटा पड़ गया इसलिए हम दूसरे बर्तन में इसे डाल देंगे। अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है सब्जियों को। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने एक छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, दो पिंच हींग डाला है और ये एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। और ये मैंने एक नींबू का रस डाला है। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले हमें मसालों को भाजियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे चार चम्मच बाइंडिंग के लिए, ताकि जो सब्जियों का जो पानी निकलता है तो ये सोख ले। और इसमें हम चार चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा फ्रेंड्स ऑप्शन है, आप ये रेसिपी को पूरे बेसन से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें आटे जैसा मसल मसल के मिक्स करना है। मैंने इसमें एक वाटी पूरा एक कटोरी बेसन डाला है। हमें आटे जैसा बांध लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा जैसे हमने बांध लिया है। अब हम हाथों में तेल लगाकर इसे लोई जैसे कर लेंगे गोल गोल। और हम आलू की टिकिया कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हम बना लेंगे। सारे हम टिकिया इसी तरीके से बना लेंगे फ्रेंड्स। और ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी बनती है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं और कम तेल में हम बनाएंगे फ्रेंड्स ये रेसिपी को, तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगी। इसी तरीके से हम हाथ में तेल लगाकर दूसरी बार भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी टिकिया मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं।
ये मैंने इडली का साँचा लिया है, इसमें हम तेल लगाकर इन टिक्कियों को रखेंगे स्टीम करने के लिए। तो ऐसे हमें तेल लगा लेना है पहले और ये टिक्कियों को इसमें रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ ये इडली स्टैंड में रख लेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स सारी टिक्कियाँ रख ली है, एक कम पड़ गई, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब हम स्टैंड में रखेंगे। ये मैंने, सॉरी दोस्तों, कुकर में हम रखेंगे। तो पानी गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने नींबू का छिलका डाल के रखा है, 2 गिलास पानी डाला था, तो पानी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट हम मीडियम आंच में स्टीम करने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद सब्जी हमारी कितनी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टिक्की हमारी ठंडी हो चुकी है और कलर भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो आप एक दिन पहले ऐसे टिफ़िन में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। जब कभी आपका मन हो या मेहमान आए तो आप इस तरीके से पहले से तैयारी करके रख सकते हैं, या बच्चे लोगों को टिफ़िन में देना हो तो रात को आप इस तरीके से तैयारी करके रख दें फ्रिज में, और सुबह इसे फ्राई करके बच्चे लोगों को टिफ़िन में दे सकते हैं, और जब मन चाहे तब ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं हम। ये 2 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी टिक्की बनी है हमारी, और ये दिखने में जितनी अच्छी है ना फ्रेंड्स दिख रही है, उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो अब हम गैस की तरफ, पैन में हम तेल डाल देंगे। ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है और तेल को हम गर्म होने देंगे। अब इसमें हम टिक्की डाल देंगे, इसे हम भुट्टा कटलेट भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे कटलेट बन गए हैं फ्रेंड्स। तो आज की ये रेसिपी फ्रेंड्स थोड़ी भी अच्छी लगे ना फ्रेंड्स, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक तरफ से सीख जाए तब इसे हम पलटा देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। और ये कम तेल में बनाया है ना फ्रेंड्स रेसिपी, तो ये और भी हेल्दी बनी है फ्रेंड्स, क्योंकि घर में बड़े छोटे सभी होते हैं तो हमें सबका ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी रेसिपी हमारी दिख रही है। तो इसी तरीके से हम उलट पुलट करके सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हमें उलट पुलट करके सेक लेना है। है ना फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये देखिए, मीडियम आंच में हम इस तरीके से सेक लेंगे। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, अच्छी तरह से सिक चुकी है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई ना फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।
मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है हमारी रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स सारे मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं, पूरे कटलेट हमारे बन चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से भी कितने अच्छे पक चुके हैं ये, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।